नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, 32 वाला। पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन ए सर्कुलर पाथ। यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रहे पार्टिकल ऐसे, जैसे ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहे हैं पार्टिकल, स्पीड यूनिफॉर्म है, बट हमें ये पता है कि स्पीड तो यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब ये पार्टिकल ऐसे, जैसे मान लो कि ऐसे घूम रहे हैं, तो इससे की वेलोसिटी जो होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, बार बार चेंज हो रही होगी डायरेक्शन, इसे वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। सिर्फ मैग्नीट्यूड से नहीं देखना, साथ में हम डायरेक्शन भी देखेंगे, और डायरेक्शन वेलोसिटी की क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और डायरेक्शन जब चेंज हो रही है तो हम क्या कहेंगे, जो वेलोसिटी है वो कॉन्स्टेंट नहीं है, तो वेरिंग वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है। और साथ में बात करें इसके एक्सेलरेशन की, तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा, जैसे यूनिफॉर्म स्पीड दे रखी है तो सेंट्रिपेटल जो एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, उसकी भी डायरेक्शन हर बार हर जगह पे क्या हो रही होगी, चेंज हो रही होगी। और एक्सेलरेशन भी क्या, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और यदि इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है तो हम इसको कांस्टेंट नहीं कह सकते। तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा ये वाला हो जाएगा ना, कि वेलोसिटी भी इसकी चेंज हो रही है और इसका एक्सेलरेशन भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है बच्चों।